आपके पास एक पिटीशन आई, रेफरेंस आया और आपने वो आगे भेज दिया। अब कॉपी मुझे आज इसकी मिली है। अफसोस, आपको अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा, मुझे बड़ी खुशी से कहना पड़ेगा कि ये रेफरेंस बुनियादी तौर पे ही फारिग हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें लिखा है कि मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया SECP ने। ये गलत बयानी है। मुझे कोई शो कॉज नोटिस नहीं मिला, मुझे ये एक लेटर मिला था। शो कॉज नोटिस और एक खत में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं ये भी आपको बता दूं, मैं इस मुल्क में एक खास तरीके से जिंदगी गुजारी है। मैं इस मुल्क का वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर हूं। टैक्स इस यहां पे असेंबली में जितने लोग बैठे हुए हैं, शायद पहले 5-6 में मेरा नाम होगा। मैंने हमेशा जिंदगी सही तरीके से गुजारने की कोशिश की है। ये जब मुझे खत मिला, मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं था कि मेरे ऊपर कोई शक भी करे। मैं उस वक्त मिनिस्टर था, मैं सब कुछ कर सकता था। मुझे वकीलों ने कहा इसको फाइट करें, इसका कोई वजूद नहीं है। हमने एक साल पहले शेयर खरीदे थे, एक साल बाद आपने मिल खरीदी, कोई आपके ऊपर केस नहीं है। आज मैं किसी शुगर मिल के शेयर खरीदूं एज जहांगीर तरीन, उस वैल्यू, उसकी शुगर मिल की वैल्यू 3 गुना ना बढ़ जाता, मेरा नाम बदल दें आप। आगे मेरे ऊपर नो क्रॉस टॉक प्लीज, मेरे ऊपर डिफॉल्टर कहा गया, मुझे पब्लिक में कहते हैं, सब जगह कहते हैं। आज मैं तमाम हाउस के सामने बताना चाहता हूं, आज तक किसी कंपनी में जिसमें मेरा कंट्रोल हो, मैंने एक दफा जिंदगी में डिफॉल्ट नहीं किया, एक दफा जिंदगी में राइट ऑफ नहीं कराया, ना किया है, ना करूंगा, ना कभी हुआ है। जिन जिन कंपनियों के नाम लिए गए वो कंपनी में से तमाम में मैं माइनॉरिटी पार्टनर था, मेरे फैसले नहीं थे। एक पार्ट कंपनी हारून अख्तर साहब की है, दो कंपनी है, वो आप उनसे जाके पूछें। ECP में टैक्स कुछ और था। अफसोस है प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद मैं बात करने लगा। आप बात नहीं, प्लीज नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। मैं राणा साहब, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस, सारा का सारा हमें भी बात करने दें, नो क्रॉस टॉक, बात करने दीजिए। टैक्स का पूरा नोटिस आया, उसके बाद ये आप सब सुन लीजिए जहां पे जो बैठे हैं, जो शोर करना चाह रहे हैं। देखें ये मसला क्या है, मेरे से जाति दुश्मनी क्यों है? जाति दुश्मनी इसलिए है क्योंकि मेरा कारोबार और वजीर आजम की फैमिली का कारोबार एक ही बार शुगर मिलेंगे। आज से कई साल पहले जब एग्जाइल से वापस आए तो सलमान शहबाज साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आपने बहुत जबरदस्त शुगर मिल का मॉडल बनाया, आप मुझे प्लीज समझाएं। 3 दिन सलमान शहबाज अपनी तीन दिन आके रहे। आप प्लीज लोअर योर वॉइस, लेट हिम स्पीक। 3 दिन सलमान शहबाज अपने फैमिली के साथ आए, हमने सारा कुछ उनको दिखाया कि हमने किस किस तरह से इनोवेशन की है, जमींदारों का कैसे ख्याल करते हैं, जमींदारों की पैदावार कैसे बढ़ाई है, वैरायटी कैसे लेके आए हैं, क्यों ऐसी सबसे बेहतरीन रहीमयार खान और जनूबी पंजाब की शुगर इंडस्ट्री बन गई है। 20 साल जहां स्पीकर मेहनत करके बनाई थी। उसके बाद 3 साल और गुजरे, फिर मैंने सबसे पहला पाकिस्तान का बगास से पावर्ड कोजन जनरेशन प्लांट लगाया। फिर मुझे सलमान शहबाज साहब की रिक्वेस्ट आई कि हमें भी मदद कर दें, आपने जो लगाया है हमें हेल्प कर दें कि किस तरीके से लगाए। मैं फराख दिली से, नहीं नहीं प्लीज तशरीफ रखें, आपने बात करनी फाटा वाले पे, दिली से आप तशरीफ रखें, वो फराख दिली कर रहे से आप। मैंने फिर भी कहा हाँ, शाहब साहब रुके, आपने फाटा पे बात करनी है। उसके बाद शाहब साहब आप तशरीफ रखें, आपने फाटा पे बात करनी है। उसके बाद क्या होता है, जनूबी पंजाब जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है वहां पे शुगर मिल्स बैन कर दी गई थी, मगर वहां पे इन शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स आनी शुरू हो जाती है। एक मुजफ्फरगढ़ में लगती है हसीब वकास, एक कहीं चन्नीगोड़ में लगती है इत्तेफाक, और अब सबसे बड़ी बात कि चौधरी शुगर मिल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी मिल है वो आके उठा के रहीमयार खान में लेते हैं सेंट्रल पंजाब से। ये इलीगल है, कानून तोड़ा गया है। मैं कोर्ट में गया, यही मेरी गलती थी। जब मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने मुझे स्टे दिया, कोर्ट ने कहा काम मिल पे फौरन बंद कर दो। काम क्या आप ख्याल बंद हुआ? अफसोस कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अपनी शुगर मिल कानून तोड़े, कानून तोड़ा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर की मिल है, कानून तोड़ा जा रहा है, स्टे ऑर्डर मौजूद है, हाई पंजाब हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी, इस वक्त भी उस मिल पे काम हो रहा है। ये काइंडली वाइंड अप कीजिए, काइंडली वाइंड अप कीजिए ताकि फाटा वाले बात। ये मेरा कसूर है कि तमाम नून लीग को हुक्म मिला है कि जहांगीर तरीन पे हमले करो। ये मेरा कसूर है कि मैं अपने हक में खड़ा हूं।
ये चाहे प्राइम मिनिस्टर की मेल होती या जरदारी की मेल होती या किसी और की होती। प्लीज आई हैव टोल्ड यू वंस, डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। मैं अपने हक पे खड़ा रहता, जो काम इलीगल है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर करे या कोई और करे वो इलीगल है। ये वहां पे मिले, ये अगर मैं ये काम ना करता, मैं अपने हक पे ना खड़ा होता, आज मैं इतना बड़ा नून लीग का टारगेट ना होता। ये जाती बुनियाद पे है, ये अपने कारोबार के सिलसिले में है, और मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि ये चीज अगर हमारे रूलिंग फैमिली कर रही है ना, रूलिंग फैमिली अपने कारोबार के लिए इस तरह से पब्लिकली अटैक कर रही है, तो अफसोस की बात है। मैं इसको हर फोरम पे उठाऊंगा। अभी भी स्टे ऑर्डर इन फोर्स है, कौन है जो जाके उस मिल को काम बंद कर सकता है? काश के वजीर आजम बैठे होते, मैं उनसे पूछता कि आपकी मिल क्यों वहां लग रही है, इलीगल मिल है। स्टे ऑर्डर का अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पंजाब हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को नहीं मानता, तो जनाब स्पीकर इस मुल्क में कौन माने? काइंडली वाइंड अप। तो मेहरबानी करके इस सारी बातें सबके रिकॉर्ड पे होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस रेफरेंस में 10 रेफरेंस करें, हम फिर भी इमरान खान की सिपाही बनकर खड़े रहेंगे।